अल्हम्दुलिल्लाह ये रैली नहीं है, ये हम लोग जो पंचरत्ना जो प्रोग्राम है जनाब कुमार स्वामी साहब का, हमारा जो प्रोग्राम, हमारा जो मैनिफेस्टो है, हम लोग हर घर घर जाके हम लोग लोगों के सामने हमारा पंचरत्ना प्रोग्राम, हमारा मैनिफेस्टो और हेब्बाड़ का मैनिफेस्टो हम लोग लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। हम दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है या कांग्रेस के जैसे नहीं है कि झूठे गारंटी कार्ड देने के लिए। हम हमारा जो मैनिफेस्टो, हमारा पंचरत्ना का जो तालीम के ऊपर है, जो हेल्थ सेक्टर के ऊपर है और यहाँ का डेवलपमेंट आप देखा जाए, ये हम लोग जेसी नगर वार्ड के अंदर हैं, यहाँ मर्दली में हैं हम लोग। पीने का पानी आज भी यहाँ पे प्रॉब्लम है। पिछले 5 साल से, पिछले 15 साल से पीने का पानी का प्रॉब्लम नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लोगों को अच्छा हेल्थ सेक्टर नहीं है यहाँ पे, अच्छी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे, अच्छा एजुकेशन के स्कूल्स नहीं है यहाँ पे, कॉलेज नहीं है यहाँ पे। ये कांग्रेस ने पिछले 5 साल से इतना डेवलपमेंट किया है, जो यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम से ज़ीरो है। यहाँ के लोग आज बदलाव चाह रहे हैं, आज बदलाव के साथ हेब्बाड़ के अंदर एक तालीम आफ्ताब और रीजनल पार्टी को लेके आने के लिए लोगों ने फैसला कर चुके हैं और इंशाल्लाह 10 तारीख को लोग अपना फैसला मशीन, जो ईवीएम मशीन है, सीरियल नंबर 5 पे बटन दबा के फैसला लेंगे इंशाल्लाह। हमारे लीडर जनाब फिरदौस पाशा साहब, हमारे एक्स कॉरपोरेटर जनाब राजशेखर पाटिल साहब, हमारे ख्वाजा मोहिद्दीन साहब, तमाम हमारे लीडरान, हमारे कार्यकर्ता आज एक जोश के साथ हम लोग, क्योंकि ये आज और कल आखिरी जो कैंपेन रहेगा पूरा वार्ड में, पूरे 8 वार्डों के अंदर जेडीएस का, 8 वार्डों के अंदर जेडीएस का जो कैंपेन चल रहा है आप देख सकते हैं। लोगों को वोटर स्लिप देते हुए, लोगों को हमारा पैम्पलेट देते हुए, लोगों को हमारा मैनिफेस्टो देते हुए, हम दूसरी पार्टियों की तरह हम लोग एश्योरेंस नहीं कर रहे हैं, ना हम लोग दूसरी पार्टियों की तरह गारंटी कार्ड दे रहे हैं। यहाँ के लोगों को पता है कि बीजेपी का कैंडिडेट आपके मीडिया के थ्रू ही आया है, बीजेपी का कैंडिडेट जो क्रिमिनल है उसके जो केसेस हैं ये लोगों के सामने हैं, और कांग्रेस के कैंडिडेट यहाँ पे पिछले 5 साल से सिर्फ लूट मचा के यहाँ पे बिल्डिंगा, जो जितने भी आरटी नगर के रोड पे बिल्डिंग हैं वो अपने नाम पे बिल्डिंग करके, बेनामी बिल्डिंग करके लूट के, लोगों का पैसा लूट के, लोगों का खून चूस के, यहाँ के हेब्बाड़ के लोगों का खून चूस के कांग्रेस के कैंडिडेट, लोगों को पता है ये। और लोग चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, ये बार बदलाव के लिए आगे बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह 10 तारीख को सीरियल नंबर 5 पे अपना वोट देके वो फैसला सुनाएंगे। यहाँ पे कर्नाटका के अंदर और हेब्बाड़ के अंदर एक अच्छी सरकार बनेगी और वो अच्छी सरकार जनाब कुमार स्वामी साहब दे सकते हैं जी। हमें 4-5 दिन से जेसी नगर ऐसा बाजू जितने भी 8 हल्के ही हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी हेब्बाड़ में, हर हल्के में जो जो लीडर रही हमारे कैनवसिंग कर लेखी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा हमना। जो 5 साल जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे, उन्होंने जो काम करी नहीं करी आज वो आवाम को मालूम है, और उन्होंने जो कार्ड जो दे रही पब्लिक में वोटरों को, जो गारंटी खुद पब्लिक बोल रहे, जो हमें घर को जा रही वो कार्ड अनगारंटी, जो कुमार स्वामी साहब जो हमारे फार्मर CM थे, उन्होंने जो पंचरत्न जो प्रोग्राम काढ़ी वो गारंटी करके आज आवाम को मालूम है। घरे घर जो हमें जाकर कैनवसिंग करें, जो हमारा पंचतंत्र का जो हैंडबिल हमें जो बना को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो गारंटी करी। और खासकर हेब्बाड़ में आज पूरे मुसलमान एक आवाज़ क्या उठा ली, आज हमें एक मुसलमान कैंडिडेट की ज़रूरत है, आज हमारे कौम की ज़रूरत है, आज पूरे हेब्बाड़ के मुसलमान का एक ही चेक पुकार। और हर दिन हमना जो कांग्रेस के जो लीडर हैं उन्हें खुद आपको हमारे साथ जोड़ रही, सैयद मुहिब अल्ताफ साहब को एक ताकत बना रही हेब्बाड़ क्षेत्र के अंदर। इंशाल्लाह आने के जो आने वाले जो 10 तारीख के दिन है, इंशाल्लाह हर मिल को जो हिंदू जो मुसलमान भैया, खासकर
हमारे भाइयों से भी ज़्यादा हम ना जो हिंदू भाइयों जो सपोर्ट कर रही हैं हमारे जो कैंडिडेट साहब हैं उनको खुद बोल रही साहब दो कैंडिडेट में बेटर कैंडिडेट तुम्हें पढ़े लिखे एजुकेशन तुम्हें पहला इनका प्रोग्राम एजुकेशन एक साल में जो इन्हों काम करके ही हब्बल कॉन्स्टिट्यूंसी रहते चाहे एजुकेशन का रहते जो बीमार पेशेंट रहते और खासकर चामड़ी नगर वार्ड जो मनोरंजन पल्ला 33 है वहाँ आज तक कावेरी का पानी नहीं है। जब उन्हें पानी देखो नहीं पाँच साल में कांग्रेस के कैंडिडेट बैठती सुरेश उन्होंने जो गारंटी कार्ड दे रही उसकी गारंटी नहीं है करके अदम्या में यही और जो पानी के जो प्लांट दयाल को ही जो कांग्रेस से जो दी वो पानी बेच रही। मैं तमाम से बोलता हूँ हमारे इस्लाम में है क्या पानी बेचना गलत करी बैठती सुरेश तो गलत है फिर हमना भी गलत रास्ते पर भेज ले को है ज़रा मेहरबानी से वो चीज़ से करो और 10 तारीख के दिन इंशाल्लाह सबसे अपील कर रहा हूँ मेरे हब्बल के वोटरों से पूरे तमाम एक हो को जो हमारा सीरियल नंबर 5 JDS का है इंशाल्लाह उसे दाल को कामयाब करेंगे। सर कांग्रेस और आरोप माता JDS के वोट मे BJP के फायदा आगता है अंत नानू सदर्भली मतड़ के इष्टपड़ी JDS ಗೆ ಮೋಹಿತ್ ಅಲ್ತಾಫ್ರಿಗೆ ವೋಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ BJPಗೂ ಫಾಯ್ದ ಆಗಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ಫಾಯ್ದ ಆಗಲ್ಲ ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಫಾಯ್ದ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೋಹಿತ್ ಅಲ್ತಾಫ್ರು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಸುಸಂಸ್ಕೃತರು ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಏನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ತರ ಏನಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ್ದೇ ಅವರ ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನು ಏನಿವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಹೈಟೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಣ್ಣನವರ ಒಂದು ಕನಸಿದೆ ಆ ಕನಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಹಿತ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಅವರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೈನಾರಿಟಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಒಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೈಯದ್ ಮೋಹಿತ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಅವರನ್ನ ಈ ಸಲ ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾಟಿ ಕೆ ಅಲ್ತಾಫ್ ಹುಸೇನ್ ಕೆ ದೇವೇಗೌಡ ಕೆ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ನಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಥರ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಇವರೊಬ್ಬರು ಮೇಧಾವಿ 100% ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತ ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಂದು ಬಹಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಡೋ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾನ ಸ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ಲಮ್ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೇಲೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ದಯಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಜನ ನೋಡಿ ಇವರು ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಕೊ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವರು JDS ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪರವಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿನ CM ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಮುಖಾಂತರ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದಂಗಾಗುತ್ತೆ ದಯಮಾಡಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5